जिस गेम का इंतजार इंडियन गेमर्स पिछले 7 महीने से कर रहे थे अब वो भी आपको मिलने वाला है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पबजी न्यू स्टेट। क्राफ्टन ने इंडिया में पबजी न्यू स्टेट के प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और क्राफ्टन अब इस गेम को इंडिया में लेकर आ रहा है। बेलगांव मोबाइल इंडिया यानी BGMI तो आपको पहले ही मिल गया था और अब आ रहा है पबजी मोबाइल का एडवांस वर्जन पबजी न्यू स्टेट, यानी अब आपकी खुशी डबल हो गई है। एक्चुअली पिछले महीने मैंने पबजी न्यू स्टेट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि भाई ये गेम भी इंडिया में आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। क्राफ्टन ने पबजी न्यू स्टेट पर एक अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें कंपनी ने कहा है कि वो अपनी पबजी IP को इंडिया में एक्सपैंड करने जा रहा है विद इट्स न्यू गेम पबजी न्यू स्टेट। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे मैं इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि क्राफ्टन ने पबजी न्यू स्टेट पर अब क्या कहा है और इंडिया में ये गेम कब रिलीज हो रहा है ये भी बताऊंगा। पबजी न्यू स्टेट को क्राफ्टन ने फरवरी में अनाउंस किया था और इसके प्री रजिस्ट्रेशन तभी शुरू हो गए। उस वक्त पबजी मोबाइल इंडिया में बैन था और तब क्राफ्टन ने कहा था कि न्यू स्टेट इंडियन यूजर्स के लिए नहीं होगा। इनफैक्ट प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन ग्लोबली शुरू हो गए थे लेकिन इंडिया में शुरू नहीं हुए थे। और पिछले महीने क्राफ्टन ने करीब 30 देशों में पबजी न्यू स्टेट का सेकेंड अल्फा टेस्ट कंडक्ट किया था और उसमें भी इंडिया का नाम नहीं था। लेकिन आज क्राफ्टन ने इंडिया में भी पबजी न्यू स्टेट के प्री रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर पर जाएंगे, पबजी न्यू स्टेट टाइप करेंगे तो यू विल सी पबजी न्यू स्टेट देयर विद द प्री रजिस्टर बटन। क्राफ्टन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पबजी IP यानी कि पबजी मोबाइल और फिर उसके बाद BGMI को इंडियन गेमर्स से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बड़ा सपोर्ट मिला है, मतलब इन दोनों गेम्स के लिए बड़ा एक्साइटमेंट है गेमर्स में और अब इसी को देखते हुए क्राफ्टन पबजी न्यू स्टेट भी इंडिया में लेकर आ रहा है। क्राफ्टन ने यह भी कहा है कि पहले पबजी न्यू स्टेट प्ले स्टेशन की लिस्ट में इंडिया का नाम इंक्लूडेड नहीं था लेकिन न्यू स्टेट के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो रिस्पांस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने क्राफ्टन को दिया है उसकी वजह से कंपनी इसको इंडिया में भी लेकर आ रही है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये कि पूरे स्टेटमेंट में क्राफ्टन ने टेंसेंट का कोई जिक्र नहीं किया है और पबजी न्यू स्टेट को एज अ न्यू टाइटल ऑफ पबजी स्टूडियोज प्रेजेंट किया है। वैसे टेंसेंट का नाम सुनकर ही आजकल इंडियन पबजी फैंस को डर सा लग जाता है, 2nd of September याद आ जाता है जब पबजी को गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन कर दिया था। अगर हम बात पबजी न्यू स्टेट की करें तो ग्लोबली इस गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, यू नो इनफैक्ट हर कोई इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एंड्रॉयड और iOS अगर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हम देखें तो 32 मिलियन यानी कि 3.25 करोड़ लोगों ने इसको प्री रजिस्टर किया है एक्सक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड वियतनाम। मतलब जब चाइना और इंडिया भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे तो फिगर कहाँ जाएगा, जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एरा इन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री। क्राफ्टन का कहना है कि पबजी न्यू स्टेट में आपको अब तक का मोस्ट रियलिस्टिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस मिलेगा। थीम बैटल रॉयल ही रहेगी लाइक BGMI इन पबजी मोबाइल, लेकिन ये गेम सेट है 2051 पर, यानी यहाँ पर हर चीज़ फ्यूचरिस्टिक है। मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न स्किन है, मैप्स अलग हैं और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जो आपको गेम में मिलेगा, आसपास की चीज़ें आपको गेम में जो मिल रही हैं वो भी बिल्कुल अलग है, फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप न्यू स्टेट का ट्रेलर देखेंगे तो इसमें बिल्डिंग्स जो हैं वो एकदम फ्यूचरिस्टिक आपको दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि आप भाई सीधा 2050 में पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर आप गेम खेल रहे हैं, यू आर इनटू दैट। गन्स भी अलग हैं, प्लेयर्स के कॉस्ट्यूम्स भी नए हैं और ग्राफिक्स का तो क्या कहने, इसको क्राफ्टन ने एकदम क्लोज टू रियलिटी बना दिया है। आपको इसमें ड्रोन्स मिलते हैं और जो कार्स हैं वो भी मॉडर्न हैं, ग्रेनेड्स भी काफ़ी हाईटेक हो गए हैं और ऐसा करके पबजी न्यू स्टेट में क्राफ्टन ने गेमिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और अब बहुत जल्द आप भी अपने मोबाइल पर इस फ्यूचरिस्टिक गेम को खेल पाएंगे। पबजी न्यू स्टेट कब लॉन्च होगा? वेल, क्राफ्टन ने डेट तो कोई नहीं बताई अपने स्टेटमेंट में, सिर्फ ये कहा है कि ये गेम इसी साल आ जाएगा इंडिया भी, बट कंसिडरिंग द एक्साइटमेंट फॉर दिस गेम आई थिंक अगले महीने या फिर नवंबर में आपको ये गेम मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ मंथ और टू। पबजी न्यू स्टेट के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, किन फोन पर ये गेम चलेगा, ये पहले ही क्राफ्टन ने क्लियर कर दिया है। एप्पल यूजर्स के लिए एटलीस्ट iPhone 6s प्लस iOS 13 उसमें होना चाहिए और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो पबजी न्यू स्टेट अपने फ़ोन पर चलाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2GB ऑफ रैम वाला फ़ोन होना चाहिए प्लस Android 6, मतलब एंड्रॉयड मार्शमेलो। 2015 में मैशमेलो आया था, अब तो सब लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो एज आई सेड, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की खुशी अब डबल होने वाली है और इससे इंडिया में ई स्पोर्ट्स को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। वैसे हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट द पबजी न्यू स्टेट ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और पबजी न्यू स्टेट पर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक ऑन अनकट।